है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल OP46 व्लॉग्स, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। गाइस तो आज सोचा कुछ नया करते हैं, तो कैसा लगा जरूर बताना। तो पहले हेलमेट निकालता हूँ, फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस तो आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है NS200 बेसिक्स ओनरशिप रिव्यू, वो भी एक साल का। और ये पहला वीडियो है यूट्यूब पे जो एक साल बाद में बना रहा हूँ, वरना इससे पहले के भी वीडियोज है जो दो दो तीन तीन महीने में लोगों ने बनाए, बट हम रियलिटी दिखाएंगे। एक साल फर्स्ट ऑफ जन को बाइक को एक साल कंप्लीट हो गया, और आज डेट है मे बी 9 फेब, तो 13 महीने हो चुके बाइक को एक साल कंप्लीट होके, भी एक महीना एक्स्ट्रा हो चुका है। तो अभी बताते हैं आपको बाइक्स में क्या क्या प्रॉब्लम आए, उससे पहले आप बाइक की कंडीशन देखो, बाइक पूरी स्टॉक है, सिनेमैटिक्स देखो, उसके बाद में फिर बात करते हैं आगे की। If it's a problem, I'll go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty, you're 10, the rubber band. Come on for the 100 pound. All of the talk, but don't run a mouth. I'm trying to be out. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know, is when we leaving. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know, is when we leaving. सो गाइस तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक। तो बाइक को 13 महीने हो चुके हैं, और बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई बता देता हूँ मैं अभी आपको। पहली प्रॉब्लम जो आई थी वो कॉन्सेप्ट की थी, जो थोड़ा सा लूज़ हो गया था। अगर आप 80-90 पे हैंडल छोड़ देते तो गाड़ी लेफ्ट साइड में भागती थी, तो वो तो टाइट करने के बाद इशू सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग दी गई है टाइट करने के लिए, तो वो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। सेकेंड इशू आया था, इस बाइक में एक रिक्शा वाले ने हिट किया था बाइक को, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, प्रीवियस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो, वीडियो अपलोड करके रखिए, NS200 क्रैश करके। तो ये थोड़ा सा जल गया, बट उसे हम लोग ने सीधा करवा लिया, कोई ये भी ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। थोड़े बहुत स्क्रैचेस यहाँ पे आए हैं बाइक पे, काफ़ी बुरा लगा था इसके बाद में पर्सनली, क्योंकि अच्छे से गाड़ी मेंटेन की थी। और सबसे बड़ा इशू एक जो था वो था यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक तार बांधी है हम लोग ने, ये एग्जॉस्ट थोड़ा चूड़ी जैसा, मेटल की चूड़िया खनकती है वैसा साउंड करता था, क्योंकि ये बोल्ट के बीच में थोड़ा प्ले आ गया था, तो वो जुगाड़ करके हम लोग ने फिक्स कर दिया है। शोरूम वालों से बात हुई तो उन लोग ने कहा कि बाहर से खुलवाना पड़ेगा वेल्डिंग करके, बट वेल्डिंग करवाते तो ये पूरा पार्ट पूरा इसका पेंट उड़ जाता और ये भी ख़राब हो जाता, और वो अच्छा नहीं दिखता, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा वो जुगाड़ किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा घटिया दिखता था। बाकी ओवरऑल बाइक में कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो ओके गाइस, तो अभी मैं आपको मीटर भी दिखा देता हूँ हमारी गाड़ी कितनी चल चुकी है, तो लगाते हैं कि, और ओडोमीटर दिखा देता हूँ मैं अभी आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ओके अभी आपको दिख रहा होगा 4698, मतलब ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी 4700 किलोमीटर्स चल चुकी है, और अभी तक गाड़ी में कोई भी मतलब बंद पड़ने वाला या फिर कोई ऐसा पार्ट चेंज हुआ ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं है, ना ही इसका फ्रंट ब्रेक पैड चेंज हुआ है, ना ही इसका बैक ब्रेक पैड चेंज हुआ है। सिर्फ हम लोग, पूरी गाड़ी स्टॉक है गाइस, बस हम लोग ने इसका ये चेंज करवाया है पीछे का नंबर प्लेट फ्रेम, मतलब हम लोग ने वो नंबर प्लेट फ्रेम इंस्टॉल किया बस बाइक में। सो जैसे कि मैं कह रहा था कि बाइक में हम लोग ने और कोई मॉडिफिकेशन करवाया भी नहीं है अभी तक, इसमें हज़ार्ड लाइट्स लगाने हैं हमें, बट अभी देखते हैं, सही टाइम का इंतज़ार चालू है, और पार्किंग लाइट्स भी चेंज होगी बाइक में। और बात कर लेते गाइस ये बाइक किन फीचर्स के साथ आती थी, तो ये है BS6 फ्यूल इंजेक्टर और सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, और BS6 में आपको काफ़ी बड़ा कैटलिटिक कन्वर्टर मिल जाता है यहाँ पर, जो कि काफ़ी भद्दा भी दिखता है, दिखने में कोई खास नहीं है। और जो एक बात ऐड हुई थी वो बस इसमें एक मेल फंक्शन की लाइट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी ऑफ है, यहाँ पे एक मेल फंक्शन की लाइट ऐड हो चुकी है, वरना 2012 में भी NS लॉन्च हुई थी, और उसके बाद से कंपनी ने इसके मीटर में कोई भी अपडेट नहीं दिया है। अगर डिजिटल मिल जाता ड्यूक जैसा वगैरह 390 जैसा तो मज़ा आता काफ़ी, बट इन्होंने BS6 में इंट्रोड्यूस करवाए अपने 4 कलर, जो कि 2 मैट कलर थे और 2 ग्लॉसी कलर थे, ग्रे और वाइट ग्लॉसी कलर था, और मैट कलर में इन्होंने आपके लिए रखे थे मैट रेड और मैट ब्लू, तो ये 4 कलर ऑप्शंस मिलते थे आपको। और मैंने पुरानी वीडियोस पे कमेंट देखे कि लोगों को ये कलर्स पसंद नहीं आ रहे, बट चलो अपनी अपनी चॉइस होती है लोगों की, बट पर्सनली मुझे ये वाइट कलर और रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे भाई की बाइक है वाइट कलर वाली, और इसी बाइक का सेम वेरियंट 200cc में मेरे एक दोस्त सुरेश के पास है, जो कि रेड कलर में है। इस बाइक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट उसके बाइक में 2-3 मेजर प्रॉब्लम्स आई थी, अगर आप कहोगे तो मैं उसका भी एक रिव्यू बना दूंगा। अभी 2 हफ्ते बाकी है उसकी बाइक को 1 साल होने में, अगर आपके कमेंट्स आते तो मैं बना दूंगा, कमेंट ज़रूर कर लेना, तो उस बाइक के ऊपर भी आएंगे।
तो अभी बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बाइक की बात। तो BS4 में इसका इंजन आता रहा 23.5 HP और BS6 NS में जो इंजन आ रहा है अभी वो आ रहा है 24.5 HP, मतलब 1 BHP की पावर BS6 में बढ़ चुकी है। जहाँ पे सब बाइक्स की पावर कम हो रही थी वहाँ पे बजाज ने इसकी प्राइस सॉरी पावर बढ़ा दी, तो ये एक एडवांटेज है बाइक लेने का। और हम लोग ने ये बाइक ऑन रोड परचेज़ की थी 1 जैन को 1,57,500 में ये बाइक हम लोग ने परचेस की थी। उसके बाद में मेरे दोस्त ने बाइक परचेस किया था, तब बाइक का तकरीबन 6,000 से प्राइस बढ़ चुका था। अभी करंट कितना प्राइस है वो मुझे पता नहीं है, आपकी सिटी में कितना प्राइस है वो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। सो इतनी ही थी आज की वीडियो, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं बताने के लिए क्योंकि बाइक में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है अभी तक मेजर, और आएगी तो भी हम लोग वीडियोज़ में डाल देंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो। सो ओके गाइस, इतना ही था आज की इस वीडियो में, और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे पुराने इसमें कि ये शोरूम से हेलमेट मिला क्या। नहीं गाइस, ये हम लोग ने 1700 में बाहर से परचेस किया, ये वेगा का हेलमेट है, इसका भी रिव्यू अपलोड है चैनल पर, जाके चेकआउट जरूर करना। सो ओके गाइस, तो अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और अभी मैं एडिट कर चुका हूँ ऑलमोस्ट वीडियो, और ये लास्ट का पार्ट अभी शूट कर रहा हूँ मैं। सो गाइस, और 2-3 वीडियोज़ आने वाली है NS के रिलेटेड, जैसे कि आपको NS क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए, वो अलग अलग वीडियोज़ बनाऊंगा मैं। और गाइस, कमेंट करके जरूर बताना आपको इस बाइक का टॉप स्पीड देखना है कि नहीं, क्योंकि अभी ये परफेक्ट टाइम है बाइक की टॉप स्पीड देखने का, क्योंकि बाइक की 3 सर्विस हो चुकी है और बाइक हमारे अराउंड 5000 किलोमीटर्स कंप्लीट करने वाली है अभी कुछ दिनों में, और यही सही टाइम है इंजन का परफॉर्मेंस चेक करने का। तो जरूर से कमेंट करके बताना टॉप स्पीड देखनी है कि नहीं, और माइलेज का भी मैं सोच रहा था गाइस, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं बाइक की पूरी टंकी खाली करूँ और बाद में पता चला कि फ्यूल इंजेक्टर या फिर फ्यूल पंप का कोई सीन हो गया तो वापस से बड़ा फटका लगेगा, इसकी वजह से मैं कर रहा नहीं हूँ। बट मैंने एक जो बात फील की है गाइस, कि अगर आप सिटी के अंदर बाइक चलाते हो ना तो हार्डली ये बाइक आपको 25 से 28 का एवरेज देगी। मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स काफ़ी ज़्यादा है और रोड्स की कंडीशन भी थोड़ी ठीक नहीं है, उसकी वजह से क्लच वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है और लो गियर पर बाइक चलाने पड़ते, तो माइलेज ऑब्वियसली कम दे रही है बाइक फिलहाल। बट हाईवे पे इतनी तकलीफ फील नहीं होती, बट सिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होता है। सो इसके बारे में डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा गाइस, कमेंट करके जरूर बताना। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो वीडियो को, फिर मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।